नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स पे। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए एकदम ताज़ा खबर आ रही है दोस्तों। आप सबको इस खबर के बारे में पूरा डिटेल से समझाएंगे और आपको इस खबर के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हो तो चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हमारे चैनल पर क्लास 10th की और क्लास 12th की तैयारी एकदम जमकर शुरू होने जा रही है। साथ ही साथ आपको मोटिवेशन वीडियोज भी एकदम रेगुलर देखने को मिलेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है? उसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, आपकी खबर आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स के, जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान का अखबार आप सबके सामने खुला हुआ है। खबर है, यूपी बोर्ड, कोरोना की दूसरी लहर आई तो 9वीं से लेकर के 12वीं तक 50% तक सिलेबस घटेगा। दोस्तों यहाँ पे कहना यह है कि अगर कोरोना दोबारा से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है तो यहाँ पे आपके सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कम किया जा सकता है। ऐसा क्यों दोस्तों? बिकॉज आप सब लोग जानते हो कि ठंडी आ रही है, यानी कि विंटर का मौसम आ रहा है, और विंटर में कोरोना या फिर कोई भी वायरस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। तो इन सब कारणों का यहाँ पे दोस्तों आपकी परीक्षा पर असर पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों परीक्षा फरवरी में ना होकर के मार्च में होने वाली है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे देखना ये है कि अगर कोरोना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है ठंडी के महीनों से, तो यहाँ पे दोस्तों आपके सिलेबस में कमी लानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पढ़ाई तो बिल्कुल इस साल हो नहीं पाई है और ना ही दोस्तों हो पाएगी। स्कूल भले खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी दोस्तों पढ़ाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज आपका आधा सिलेबस तो पहले से ही खत्म हो चुका है। और जब आधा सत्र यहाँ पे बचा हुआ, तो उस आधे सत्र में आप सबको जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन दोस्तों हाई स्कूल और इंटर में काफी लंबा सिलेबस होता है, तो इन सब कारणों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि अगर कोरोना दोबारा काफी ज्यादा तेजी से फैलेगा तो यहाँ पे आप सबके सिलेबस में पेपर पैटर्न में गिरावट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबके सामने मैं पूरी खबर अच्छे से पढ़ के आप सबको बताता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार आम जनता को चेतावनी दे रही है। 2020-21 शैक्षणिक सत्र शुरू होते हुए तकरीबन 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई पटरी पर नहीं आ सकी है। इस बीच यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर 12 तक का सिलेबस 50% कम करने का विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार दूसरी लहर आई तो कटौती 30% से बढ़कर 50% कर दी जाएगी। 30% आपकी पहले से ही हो चुकी है कि 30% पेपर पैटर्न कम आएगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ों को कम किया गया है। वो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो एक दो दिन में बताऊंगा कि आप सबके क्वेश्चन कौन कौन से कम किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ों को यहाँ पे सिलेबस से हटाया गया है, तो वो चीज़ उस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इस टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है? तो 50% तक कर दी जाएगी। कोरोना के कारण पढ़ाई प्रभावित होने पर यूपी बोर्ड ने 28,000 से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के तकरीबन 1.25 करोड़ छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम 20 जुलाई को 30% तक कम कर दिया गया था। इसी के आधार पर स्कूलों को पठन पाठन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बाद से 3 महीने तक का समय बीत चुका है और पढ़ाई लिखाई का माहौल यहाँ पे आपको सामान्य हुआ नहीं हो रहा, यानी कि पढ़ाई लिखाई का माहौल बिल्कुल भी दोस्तों असमंजस में पड़ा हुआ है। कोरोना के केसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हमारे इंडिया में, हमारे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल रहे हैं। कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो इन सब चीज़ों का असर आपके यहाँ पे मतलब पढ़ाई में पूर्णतया देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यूपी बोर्ड 31 अक्टूबर तक होगा कक्षा 9वीं और 11वीं तक का दाखिला। तो अगर आप में से किसी ने नहीं कराया तो आप सब लोग करा सकते हो। फिलहाल न्यूज़ दोस्तों आप सबके लिए यही थी कि आप सबका जो यहाँ पे सिलेबस जो इस समय चल रहा है वो पहले से ही 30% कम कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों अगर कोरोना इसी इतनी ही तेज़ी से फैलता है तो आपका सिलेबस 30% से बढ़ाकर 50% कम कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोस्तों एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई
अभी से शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज आपके पास समय केवल 3 महीना बचा हुआ है। अक्टूबर का महीना चल रहा है जो कि 5-6 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आपके पास नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, जनवरी फरवरी आ जाएगा। केवल 3-4 महीने बचे हैं जिनमें आपको आपकी पूरा सिलेबस पढ़ना है, बिकॉज आधा साल कोरोना के चक्कर में जा चुका है। और बहुत बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि कोरोना ज़्यादा फैल जाएगा तो परीक्षा नहीं ली जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कोरोना चाहे जितना ज़्यादा फैल जाए, परीक्षा हो के रहेगी, चाहे 2-4 महीने बाद हो, चाहे हो के रहेगी। बस इतना ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, अपने दिमाग को समझाना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर देना चाहता था। ये जो न्यूज़ आई थी आप सबके हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो और हमारी ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक से कहीं ज़्यादा कि आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बिकॉज न्यूज़ तो जितने भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड आएंगी वो हम अपने चैनल पे प्रोवाइड करते ही करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th का और क्लास 12th का सारा सिलेबस साथ में दिया जाता है, और उसके PDF भी प्रोवाइड करे जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लास 10th और क्लास 12th के हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इस चैनल से आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता हो जाएगी, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। और जहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि इस साल स्कूल तो नहीं खुले हैं, लेकिन दोस्तों आप सबकी तैयारियाँ हमारे इस चैनल से ज़रूर हो पाएगी। तो मैं अपने चैनल पर लगातार क्लास 10th और क्लास 12th के वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आप सब लोग बस इतना करो कि वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।